अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पीटीएसडी के बारे में, यानी कि पीटीएसडी बोले तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पीटीएसडी एक तरीके की मेंटल कंडीशन होती है जिसमें कि फ्लैशबैक आते हैं मेमोरीज के, नाइटमेयर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा एक अनवांटेड थाट्स आती हैं जो कि मरीज को परेशान करती हैं। पीटीएसडी जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि जब किसी व्यक्ति के साथ, इंसान के साथ कोई घटना घटती है, कोई ट्रॉमा होता है उसकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कोई एक्सीडेंट होता है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग डायग्नोसिस होती है, तो उसके बाद से उसकी लाइफ के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो कि स्ट्रेस आता है, उसे हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। PTSD होता क्या, या तो मरीज के साथ कोई भी टेरिफाइंग, कोई भी हॉरिफिक, कोई भी डरावनी, कोई भी भयावह घटना घटती है, या वो उसके सामने घटना वो उसने खुद देख ही रही होती है, तो उसके बाद से उसके अंदर जो है लक्षण आने लगते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि ये जो सिम्टम है, लक्षण है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण है, 1 मंथ हो गया, इवन 1 साल हो गई और वो चीज़ें नॉर्मल नहीं हो रही है, बार बार फ्लैशबैक, मेमोरीज, पुरानी यादें, वो डरावने सपने आ रहे हैं, तो ये एक सस्पेक्ट है आपको, ये ऐसा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप PTSD के शिकार हैं, यानी कि आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपको हो चुका है। बात करते हैं लक्षण के बारे में, यानी कि PTSD के लक्षण के बारे में। तो जो PTSD के लक्षण होते हैं, कभी कभी क्या होता है 1 मंथ के अंदर, यानी कि कोई भी ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ हमारे साथ, कोई भी घटना घटी, तो उसके 1 मंथ के बाद, यानी कि आफ्टर 1 मंथ जो है सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है 1 साल हो गया, एक्सीडेंट हुए या ट्रॉमा हुए, कोई घटना घटे, 1 साल हो गया कोई सिम्टम नहीं आया, तो 1 साल के बाद भी जो है कभी कभी सिम्टम देखने को मिलते हैं। होता क्या है कि जो हमारी डेली लाइफ होती है, डेली लाइफ के अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में डिस्ट्रेस कंडीशन कॉज करते हैं ये सिम्टम, ये लक्षण हमको परेशान कर देते हैं, पूरी तरीके से मरीज को परेशान कर देते हैं। बाकी जो मतलब, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी आपका काम है, जो भी आप वर्कआउट करते हैं, तो हमारे वर्कआउट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, काम हमारा जो एक प्रोफाइल होता है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि हमारी फंक्शन जो है घट जाती है, हमारी परफॉर्मेंस जो है घट जाती है। PTSD के सिम्टम्स को मैंने 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया है, यानी कि 4 सब टाइप्स में मैंने इसको डिवाइड किया, तो मैं आपको बताऊंगा चारों के बारे में। पहला तो है इंट्रूसिव मेमोरीज जो वर्ड है, इसका मतलब हिंदी में अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कहिए या जानिए, तो एक तरीके से कह सकते हैं घुसपैठ, यानी कि अनवांटेड थॉट्स, अनचाहे विचार, जो कि टेरिफाइंग होते हैं, जो कि डरावने होते हैं, जो कि डिस्ट्रेस कंडीशन कॉज करते हैं मरीज के अंदर, वो रिकरेंट आते हैं, यानी कि बार बार अनवांटेड थॉट्स आते हैं, जो मरीज नहीं चाहता कि मुझे ये उस ट्रॉमा के, उस घटना के जो उसके साथ या तो हुई है या तो उसने उस घटना को होते हुए देखा है, तो वो जो है रिकरेंट ऐसे थॉट उसके अंदर आते हैं जिसको वो नहीं चाहता है, यही होती है इंट्रूसिव मेमोरीज। और जो इंट्रूसिव मेमोरीज के जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें यही होता है कि रिकरेंट, यानी कि बार बार हॉरिफिक उसको जो घटना हुई होती है, उसके जो है फ्लैशबैक्स आते हैं, उसकी जो फ्लैशबैक्स आते हैं, कभी कभी उसको डरावने सपने भी आते हैं, इवन नाइटमेयर्स भी उसको आते हैं। मरीज जो है रिलीविंग द ट्रॉमेटिक इवेंट, मतलब फ्लैशबैक, मतलब वो उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये फिर से मेरे साथ हो रहा है, या जो पास्ट में मेरे साथ ट्रॉमा हुआ, जो घटना घटी वो फिर से मेरे साथ हो रही, वो इमेजिनेशन में उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि ये फिर से हो रहा है, यानी कि दोबारा फिर से हो सकता है, इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और एक तरीके से फिजिकल इमोशनल डिस्ट्रेस कंडीशन होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी भरे उसके अंदर जो है लक्षण से पाए जाते हैं, काफ़ी एंजाइटी होती है मरीज को। दूसरा इसका सब टाइप्स होता है अवॉइडेंस, यानी कि अवॉइडेंस मतलब वो थिंकिंग, वो सोच, वो विचार, वो जो ट्रॉमा हुआ है, जो घटना घटी है, उसके जो विचार आते हैं उसको वो उससे दूर जाने की कोशिश करता है, उनको हटाने की कोशिश करता है, या फिर वो प्लेसेस, वो स्थान या वो जगह जहाँ पर वो गया था, जहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी, या फिर जहाँ पर वो उसको कोई भी ऐसा ट्रिगर जो उसको उस चीज़ की याद दिलाता है, उस ट्रॉमा की याद दिलाता है, उस घटना की याद दिलाता है, तो वो उन चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर देता है, या उस कंपनी से भी अवॉइड करना शुरू कर देता है। पार्ट सी में हम बताएंगे आपको कि मरीज के अंदर होता क्या है कि निगेटिव चेंजेस आने लगते हैं, उसके मूड के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर, एक तरीके से होपलेसनेस फ्यूचर के बारे में, यानी कि जो फ्यूचर है हमारा, भविष्य, हमें क्या करना है, कैसे करना है,
उसके बारे में एक तरीके से नाउम्मीदी सी आने लगती है, और नेगेटिव नकारात्मक ख्याल, नकारात्मक विचार अपने बारे में या फिर दूसरे के बारे में या फिर इस वर्ल्ड के बारे में या संसार के बारे में उसके अंदर जो है नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं, और एक तरीके से स्लीप डिस्टर्ब भी हो जाती है, यानी कि स्लीप प्रॉब्लम भी आती है, और कंसंट्रेशन भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, कंसंट्रेट भी जो है मरीज नहीं कर पाता है, और कह सकते हैं आप एक तरीके से वो फोकस ही नहीं कर पाता है, और उसकी मेमोरी पर भी फ़र्क पड़ने लगता है, यानी कि वो ट्रॉमा जो घटनाएं हुई हैं उनको वो उसका जो मेन जो जिसे कहते हैं कि मेन जो उसकी जो घटना की जो थीम है वो भी वो मरीज जो है भूलने लगता है, उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक हो जाती है। इसके साथ क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप को वो मजबूती से नहीं कर पाएगा, यानी कि क्लोज रिलेशनशिप बनाने में वो जो है असमर्थ हो जाता है, उससे जो है एक क्लोज रिलेशनशिप नहीं बन पाती। इवन आप कह सकते हैं कि मरीज के अंदर ऐसा होता है उसकी जो फैमिली होती है, यानी कि फैमिली वाले भी यानी कि उनसे भी फीलिंग डिटैच्ड, एक तरीके का फीलिंग डिटैच्ड वाली फीलिंग मरीज को आने लगती है, और वो मरीज जो है अपनी फैमिली अपने बीवी बच्चों से भी जो है दूर जाने की और उनसे अलग रहने की कोशिश करने लगता है। एक तरीके से कह सकते हैं आप इमोशनली नंब हो जाता है, वो फीलिंग लेस इंसान जो है बनने लगता है। और जैसे कि एक्टिविटी हर इंसान की होती है, कुछ फेवरेट एक्टिविटीज़ रहती हैं, चाहे उसका रीडिंग हो, चाहे प्लेइंग हो, चाहे अपना काम में उसको जो है इंटरेस्ट हो, लेकिन PTSD के मरीज के अंदर क्या होता है, वो जो फेवरेट एक्टिविटीज़ भी होती है उसके अंदर भी उसको इंटरेस्ट जो है ख़त्म होने लगता है, वो जो फेवरेट एक्टिविटीज़ जो वो करता था उसको भी वो जो है करने में उसको दिक्कत आने लगती है। एक तरीके से कह सकते हैं आपका उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट ही जो है इन चीज़ों में एक ख़त्म हो जाता है। और जो चौथा पार्ट इसका है, जो चौथा सब पार्ट्स है, तो उसके अंदर चेंजेस इन फिजिकल एंड जो रिएक्शंस होते हैं, जो बिहेवियर होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि मतलब मरीज को बहुत ज़्यादा अचानक से जो है उसको गुस्सा आ जाएगा बहुत तेज, या अचानक से वो डरने लगेगा, या कोई भी घटना या कोई भी ऐसा ट्रिगर देखने के बाद अचानक से उसका एंगर जो है आउटबर्स्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से उसको गुस्सा आ जाएगा। पिछली घटना को सोच के सामने कुछ हो रहा तो अचानक से उसको जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, या फिर वो अपने आप को एक तरीके से फीलिंग गिल्ट वाली जिसे बोलते हैं शेम, अपने आप को फीलिंग गिल्ट समझेगा, यानी कि शेमलेस समझेगा, शेम समझेगा, अपने 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 आप से शर्मिंदा होगा मरीज, आप कह सकते हैं अपने आप से जो है शर्मिंदा होगा, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, उसको लगेगा मुझसे शायद कुछ गलतियाँ हुई हैं। सेल्फ जो है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी मरीज करना शुरू कर देगा, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फास्ट करे, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीना शुरू कर दे, उसकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाएगी, कंसंट्रेशन भी भंग हो जाएगा। तो ये चार जो है सब टाइप्स इसके हो गए। अब बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स के बारे में, यानी कि इंटेंसिटी क्या होगी, कब सिम्टम ज़्यादा होंगे, कब सिम्टम्स कब होंगे, कैसे ये बढ़ेंगे, कैसे ये घटेंगे। तो जनरली जब आप एक स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, एक तनाव की कंडीशन में होते हैं, आपकी लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का चीज़ें चल रही होती, काफ़ी मुश्किल आपकी लाइफ में चल रही होती, तब जो है PTSD के सिम्टम आपको ज़्यादा घेरने की कोशिश करेंगे और PTSD के सिम्टम आपको ज़्यादा होंगे। या फिर कभी कभी होता क्या है, कोई भी ट्रिगर इसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर मूवी देख रहे हैं, अब मूवी में आपने देखा कोई इस तरीके का कोई सीन है जहाँ पर किसी मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है, और हो सकता है वो आपके साथ भी हुआ हो, तो वो घटना देखने के बाद, ये घटना देखने के बाद आप उसे मैच करेंगे तो आपका जो है एक तरीके से रिएक्शंस अजीब सा होने लगेगा, आप उससे मैच कर जाएंगे, आपको ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत होने। करते हैं कॉजेज़ के बारे में, यानी कि कॉजेज यानी कि कारण के बारे में। तो PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये किसी को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। जैसे कि अगर किसी के साथ भी कोई भी ट्रॉमा हुआ है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग जो है घटना घटी है, चाहे कोई उसने टेरर अटैक देखा है, चाहे उसकी कोई ऐसी मेडिकल डायग्नोसिस बन के आई है जिससे उसमें जो है लाइफ उसकी डेंजर में रही हो, तो इन सब चीज़ों में जो है कॉज बनती हैं। लेकिन अगर आप बात करें तो फैमिली हिस्ट्री, यानी कि फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी इस तरीके की है जैसे कि आप उसमें एंजाइटी भी एक कॉमन है और उसमें डिप्रेशन भी कॉमन है, तो फैमिली हिस्ट्री भी कहीं काफ़ी हद तक इसमें रोल प्ले करती है। और एक कारण होता है कि आपका खुद का टेम्परामेंट, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो आपके नेचर पे भी, आप सेंसिटिव नेचर के हैं या आप हंसी मजाक में चीज़ों को भुला देते हैं, या आप बहुत ज़्यादा गहरे हैं मतलब बहुत ज़्यादा गहरी सोच रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ये भी मायने रखता है। और मायने रखता है कि जब कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है, जब कोई तनाव की कंडीशन होती है, कोई स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो उस समय जो स्ट्रेस हार्मोन जो निकलते हैं, उस समय हमारा मूड जो होता है या हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, हम स्ट्रेस में हमारा ब्रेन किस तरीके के केमिकल रिलीज करता है और हमारी बॉडी जो है किस तरीके से परफॉर्म करती है, ये सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है।
तो दोस्तों ये हो गए कारण, अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। तो रिस्क फैक्टर यही है कि जैसे कहते हैं कि कोई कॉम्बैट एक्सपोजर यानी कि कोई युद्ध की स्थिति में, कोई चाइल्डहुड एब्यूज़ हो गया, कोई फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, या फिर जैसे कि कभी कभी नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी जो है PTSD होता है, जैसे कि बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर आपने कोई टेररिस्ट अटैक देखा, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ, या फिर कोई बहुत तगड़ी चोरी हुई, मतलब एक ऐसी घटना जिससे इंसान जो है डर जाता है, पूरा घबरा जाता है, वो मौत को बहुत नज़दीकी से देखता है, तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्क फैक्टर का काम करती हैं। अब लास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो PTSD के जो कॉम्प्लिकेशन है वो यही है कि मरीज जो है डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, मरीज जो है एंजाइटी का शिकार हो सकता है, मरीज के अंदर जो है स्लीप प्रॉब्लम आ सकती है, और मरीज को जो है एक तरीके से बाइपोलर डिसऑर्डर या उसकी पर्सनालिटी के अंदर जो भी बिहेवियर वाले ट्रेट हैं, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।